न्यूमेरिकल एक्सरसाइज फॉर सॉल्विंग आई एस एल एम मॉडल डियर स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने आई एस एल एम कर्व की क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था मॉडल को सो so, ये आई एस कर्व की इक्वेशन थी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड वाई और ये एल एम कर्व की इक्वेशन थी हम इसे शॉर्ट इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो शॉर्ट का प्राइस लेवल था वो उसमें यूज़ किया था इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो उसके लिए सो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इनकम सो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के लिए आई की इक्वलिटी ओके सो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आर है तो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करके तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ वाई सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड ऑफ द आई एस कर्व एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड ऑफ द एल एम करव सो इसको वाई के लिए हम सॉल्व कर लेंगे सो so, ये आपके पास ट्वेंटी फोर हंड्रेड शॉर्ट एंड एकबरियम वैल्यू ऑफ वाई आ गई ओके सो इस वाई की वैल्यू को आप आई एस कर्व की इक्वेशन या आपके पास जो आई एस कर्व की इक्वेशन थी तब से ऊपर जो हमने लिखी उसमें जब हम वाई की वैल्यू ट्वेंटी फोर हंड्रेड पुट करेंगे तो इससे आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी रियल इंटरेस्ट रेट थर्टीन परसेंट और ये वाई की वैल्यू आप अगर एल एम कर सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम नंबर थर्टीन परसेंट क्योंकि हमने दोनों की इक्वालिटी से ही तो वाई की वैल्यू फाइंड की थी सो so, अब हमारे पास यहाँ से हमने क्या ले लिया क्या हमारे पास आंसर्स आ गए एक तो वाई आ गया शॉर्ट टर्म में ट्वेंटी फोर हंड्रेड और दूसरा हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ गया थर्टीन परसेंट सो अब बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि टोटल टैक्सेस कितने कलेक्ट होंगे तो ये टैक्स फंक्शन था इसमें वाई की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है ट्वेंटी फोर हंड्रेड वो इसमें पुट कर देंगे तो ये फाइव एटी आपके पास अमाउंट आ गई टैक्स की और कंजम्पशन आप कंजम्पशन की इक्विलिब्रियम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये कंजम्पशन फंक्शन था राइट right? तो अब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं शॉर्ट टर्म में वाई आपके पास मौजूद है ट्वेंटी फोर हंड्रेड टी के लिए हमने सॉल्व कर लिया फाइव ए आर के लिए हमने सॉल्व कर लिया थर्टीन परसेंट तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ सी आ गई ये वन सिक्स टू सिक्स ओके और इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सॉल्व करना है तो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे आर की वैल्यू पुट कर दी थर्टीन परसेंट और ये वन सेवेंटी फोर इसका आंसर आ गया इन्वेस्टमेंट ओके okay. और आप जानते हैं सी प्लस आई प्लस जी यानी सी हमने देखा ये वन सिक्स टू सिक्स और आई की वैल्यू वन सेवेंटी फोर और सिक्स हंड्रेड हमने अज्यूम किया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिक्स है तो इन सब को आप एडप्ट करेंगे तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये वही आएगा जो हमारे पास वाई की इक्विलिब्रियम वैल्यू आई थी सो so, ये वो इक्विलिब्रियम है जिस पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर है टोटल डिमांड है ये उसके तीन कंपोनेंट हैं और राइट हैंड साइड पर आपका सप्लाई है ओके okay. सो so फाइनली अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्मॉल आए ठीक है ये किसके इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो रियल इंटरेस्ट रेट हमने सॉल्व किया थर्टीन परसेंट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वैल्यू हमें बताई गई थी गिवन थी तो फाइव तो इसको ऐड कर रहे हैं तो ये एटीन परसेंट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो ये शॉर्ट टर्न की हमारे पास वैल्यूज आ गई वाई की ओके okay? टी की सी कंजम्पन आई इन्वेस्टमेंट रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स ओके अब हम लॉन्ग रन एक के लिए अगर इस मॉडल को सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि लॉन्ग रन फुल इम्प्लायमेंट लेवल गिवन हमें है ठीक है तो ये वैल्यू जब आई एस कर में आप वाई की पुट करेंगे जो हमें बताई गई थी तो इससे आपके पास आर आर कैल्कुलेटर आप अगर के ये आपके पास एफ ई लाइन है ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन ये आई एस कर्व है तो ये आपने इंटर ये वाली वैल्यू जब वाई की इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस रियल इंटरेस्ट रेट दैट इज फाइव परसेंट आपने वाई की वैल्यू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पुट की है तो ये फाइव परसेंट ये आपके पास आ गया अब ये बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू टोटल टैक्सेस आपने वाई की वैल्यू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड हमारा जब लास्ट टाइम हम शॉर्ट रन की इक्लिब्रियम वैल्यू थी वो पुट कर रहे थे अब लॉन्ग रन इक्लिब्रियम के लिए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पुट किया तो ये सिक्सटीन हंड्रेड टैक्सेज आ गए कंजम्पशन के लिए वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो हमें दी गई है और आर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ठीक है फाइव परसेंट आपके पास आर था ये ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंजम्पशन आपके पास आ गई सत्रह सौ दस इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए आर की वैल्यू जो फाइव हमने कैलकुलेट की है वो इसमें पुट करेंगे तो ये वन नाइन्टी इन्वेस्टमेंट आ गई तो अगेन सी प्लस आई प्लस जी जो लॉन्ग रन में हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं सत्रह सौ दस एक सौ नब्बे छः सौ गवर्नमेंट्स पेंडिंग थी इनको आप एडअप करेंगे तो यू विल अगेन गेट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यानी जिस पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर है ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट था और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आप लेना चाहते हैं तो अब आप लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट जो हमें मिला था फाइव परसेंट और ये फाइव परसेंट क्या है जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वैल्यू हमें दी गई थी तो लॉन्ग रन में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है अब आपके पास टेन परसेंट रियल इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट रियल मनी डिमांड ये एल एम करव की इक्वेशन है राइट सो वाई की वैल्यू पुट कर दी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और नामिनल इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा टेन परसेंट तो ये वैल्यू सपोर्ट करने से ये आपके पास आ गया रियल मनी डिमांड आ गई ट्वेल्व हंड्रेड इसको सॉल्व कर लीजिए और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास मनी सप्लाई है रियल मनी सप्लाई और राइट हैंड साइड पर आपके पास रियल मनी डिमांड है ठीक है रियल मनी सप्लाई की वैल्यू नॉमिनल मनी सप्लाई हमें बता दी गई थी ये वाली है और प्राइस लेवल से डिवाइड करने से नॉमिनल मनी सप्लाई रियल मनी सप्लाई हो जाता है इसको 1200 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हम इसे पी के लिए सॉल्व कर लेंगे ठीक है लॉन्ग रन में आपको शॉर्ट रन में पी गिवन के साथ हमने काम किया था ठीक है और लॉन्ग रन में हमने प्राइस आउटपुट गिवन है और प्राइस लेवल हमने फाइंड करना है तो वो आपके पास प्राइस लेवल आ गया वन अलेवन सो इस तरह से हमने एक नूमेरिकल एक्सरसाइज की मदद से ये आई एस कर्व को समझा एल एम को समझा ठीक है शॉर्ट रन एक्ब्रियम लॉन्ग रन इक्ब्रियम और इक्लिब्रियम में डिफरेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड की थैंक यू